सबका वेलकम बैक टू द वीडियोज सो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं पार्ट फाइव अक्टूबर साइड इवेंट का जो कि जिसमें हम uh, uh, सिंभियोट, समन सम को जो है रैंक फाइव पे ले जाएंगे एंड ज़्यादा फिर दिक्कत नहीं है कि जैसे मैं इसको रैंक फाइव पे ले जाऊंगा जैसे ही ये वीडियो जो है ख़त्म होगी तो उसके बाद मैं पूरा का पूरा का टाइम जो है इसके लिए स्पेंड करूँगा जो हॉरर वाली क्वेस्ट है साइड क्वेस्ट है उसको ब्रेक डाउन करूंगा एंड उसके बारे में डेफिनेटली वीडियो बनाऊँगा कैसी बनानी है क्या बनानी है मतलब वॉइस ओवर करूँगा या तो फिर एक साथ ही मतलब रिकॉर्ड करते टाइम ही जो है का, जो है एक्सप्लेन करूँगा वो अभी भी मेरा जो है डिसाइडेड नहीं है बट होपफुली या आज ना कुछ मतलब आज एटलीस्ट दो वीडियो तो आने ही वाली है कि ये वाली तो आप देख ही रहे हो एंड या yeah, देख सकते हो अभी मेरे पास ना मतलब नाइन्टी और क्लिंटर ये चाहिए जो क्या कहते हैं कैटालिस्ट चाहिए एंड उनके लिए नौ मेरे को ये कहते हैं ऑब्जेक्टिव चाहिए एंड नो ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं एक्चुअली ये कल रात को आई गेस एक रिलीज हो चुका था बट फिर कल काफ़ी लेट हो चुका था मेरे लिए ओके okay, अभी भी पिछले पार्ट फोर के रिलेटेड थोड़े एक दो है यहाँ पर जिनको हमें जो है डिफीट करना है जो कि विलन्स थे एंड इस बार है अग्रेसिव सिम्बियोसिस uh, इसका मतलब आई गेस मेरे का मतलब जितना मैंने देखा है उसके हिसाब से जो है हमको वेनम को डिफीट करना है तो वापस एंड ऑफ कोर्स हमको एंटी वेनम यूज़ करके ही डिफ़ीट करना है तो सबसे पहले हम वेनम को ढूँढेंगे थ्री स्टार वेनम आई गेस होना चाहिए मेरे पास यस yes, है तब जस्ट उसको जो है ना प्रैक्टिस में करेंगे एंड ये सब प्रोसेस आप सभी को पता है अगर आप सीधा पार्ट फाइव देख रहे हो आई मीन पार्ट फाइव तक देख रहे हो तो पार्ट वन टू थ्री फोर में हम सब ने यही चीज़ किया है एक शायद जो है यहाँ पर एक डिफ़िकल्ट हो सकता है ढूंढने के लिए जो कि मेरे पास एक और ट्रिक है उसको सॉल्व करने के लिए कि उसको कैसे हम डिफीट करेंगे एंड या लकीली मतलब ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं बट देखो नौ ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने हैं तो होपफुली जो है शायद आप अपने प्ले मतलब क्या कहते हैं वीडियो देखते टाइम शायद फास्ट फॉरवर्ड कर दोगे तो ठीक रहेगा क्योंकि देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि मतलब एटलीस्ट वीडियो थोड़ी बहुत लंबी होने ही वाली है क्योंकि नौ no ऑब्जेक्टिव सारे के सारे मैं देखो ऑब्जेक्टिव आपके सामने ही दिखाता हूँ कंप्लीट करके ऐसा नहीं है कि मतलब ये कर दो हो जाएगा एंड एक्चुअल में होता नहीं है ओके एंड नेक्स्ट है ट्विस्टेड एब्रिएशन इफेक्ट एंड ये आई गेस है uh, uh, क्या कहते हैं चैम्पियंस में वेनम द डक है एंड वेनम द डक भी मेरे पास थ्री स्टार में होना चाहिए जिससे फाइट काफ़ी जल्दी से ख़त्म हो जाए टू स्टार का पता नहीं था एटलीस्ट थ्री स्टार, थ्री स्टार में तो है एंड या yeah, अभी से ना मतलब मैं एक चीज़ तो करके ही रखूँगा कि कोई भी नया चैम्पियन जो है अरीना में आता है तो उसके जो फीचर अरीना होती है तो उसमें एटलीस्ट आपके पास चांस रहता है कि अगर आप छः साढ़े छः मिलियन छः या साढ़े सात मिलियन के आसपास जो है अगर आप उसके पॉइंट्स ग्राइंड करते हो तो आ, आपको जो है ऑलमोस्ट गारंटीड होता है मतलब जैसे ही आप उसके माइलस्टोन कंप्लीट करते हो तो उसका थ्री स्टार वर्जन और फोर स्टार वर्जन तो मिल जाता है मतलब एटलीस्ट कोई अगर एक स्पेशल ऑब्जेक्ट ही होता है ना तो कंप्लीट करने के लिए काफ़ी इजी रहता है जैसे कि अभी इस वाले वीडियो में आप देखना कि पेनी पार्कर को जो है डिफीट करना है आगे एक ऑब्जेक्टिव आएगा दिखाऊँगा तो पेनी पार्कर है नहीं मेरे पास कोई भी वर्जन की जितना मेरे को पता है मतलब मेरे को क्रिस्टल में से भी नहीं मिली क्योंकि जस्ट अभी रिसेंटली ही रिलीज हुई थी ठीक है तो वो एक काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते फिर उसके लिए हमको इवेंट क्वेस्ट में जाना पड़ेगा एंड उसके लिए भी हम जाएंगे एंड देन नेक्स्ट है वू डोंट स्टॉप इवॉल्विंग तो ये है वेनम वैनमपुल है ये नेक्स्ट वाला जो ओपोनेंट है हमारा एंड वेनम वैनमपुल भी मेरे पास होना चाहिए अच्छा खासा है मतलब रोस्टर है मैंने उसको जो है रैंकअप नहीं किया एंड वेर इज़ वेनम वैनमपुल ये वैनमपुल रैंक फाइव पर है तो इसको डिफीट करना थोड़ा बहुत जो है टाइम लेगा बट आप डेफिनेटली हर बार जो है स्किप कर सकते हो या तो फिर जस्ट फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो मैं कर सकता हूँ बट फिर क्या है कि मेरी जो वॉइस है जो uh, क्या कहते हैं मेरी आवाज़ जो है वो एकदम फास्ट हो जाएगी एंड फिर आपको मज़ा नहीं आएगी सुनने में एंड देखने में तो थोड़ा बार देख लो तो भी इतना कुछ जाएगा नहीं एंड ज़्यादा कुछ टाइम लगना नहीं चाहिए या देख सकते हो अच्छा खासा मतलब यूजअली ना मैं uh, क्या कहते हैं हर बार जो है रोस्टर रखता हो पहले ना मेरा भी एक ऐसा एम था जब मतलब मेरी यूट्यूब चैनल नहीं थी तब भी ना मतलब मैंने दूसरों दूसरे जो यूट्यूबर्स होते हैं तो उनका देखा था उनके हर एक थ्री स्टार चैम्पियन जो है वो रैंक फोर लेवल फोर्टी पर थे मतलब कि सिक अप एंड साथ ही साथ जो है रैंकड अप थे तो मेरे को भी पहले ऐसा लगा था कि अगर अपना अकाउंट अच्छा खासा बढ़ेगा फ्यूचर में तो मैं भी सारे के सारे चैम्पियंस को जो है एटलीस्ट रैंक फोर तक तो लेके ही जाऊँगा फिर जो है हम लोग आगे बढ़े एक्ट फाइव एक्ट सिक्स सेवन निकला फिर इतना कुछ टाइम मिला ही नहीं क्योंकि फिर उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं होता एंड फिर एक्ट सेवन निकलने के बाद भी जो है हमको फिर ऐसे ऑब्जेक्टिव्स मिलने लगे जो थ्री स्टार फोर स्टार इवन टू स्टार को यूज़ करते हैं तो फिर वो जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है उनको इम्पोर्टेंस मिलने लगी अभी ना एक चीज़ जो है मेरे को ये समझ में नहीं आ रही कि ये इसके बाद वाला जो है हेस्टैग नॉट लाइक दी अदर क्लिंटर अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये कौन है तो इसको हम लोग लास्ट में डिफीट करेंगे नेक्स्ट है हम हमारा इधर की कि एंटी मैंने को डिफ़ी कर पायलट्स देयर फादर्स मेक सूट तो अभी ना अभी विलन्स को हटा के सिर्फ अभी ये करेंगे हीरोज़ को डिफ़ीट करेंगे मतलब कि स्पाइडर हीरोज़ जो है उनको डिफ़ीट करेंगे एंड ये जो है हम जैसे मैं बता रहा था कि पेनी पार्कर है एंड पेनी पार्कर आई गेस यहाँ पर कोई एक क्वेस्ट में है पीछे वाली चैप्टर थ्री के क्वेस्ट में है तो हम जस्ट एक रिव्यू आ, जाके देख लेंगे एंड शायद ये वाला जो है मैं स्किप कर दूंगी क्योंकि हो सकता है कि मेरे को पूरा खेलना पड़े पैनी पार्कर तक पहुंचने के लिए तो जैसे मैं पैनी पार्कर तक पहुंचता हूं आपको दिखा दूंगा ये फाइट दिखा दूंगा एंड बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है स्किप कर दूंगा ओके तो थोड़ा बहुत जो है क्वेस्ट को ढूंढने के बाद हमको पैनी पार्कर मिल चुका है मिल चुकी है फीमेल है वो सो पेनी पार्कर है यहाँ पर जो लास्ट वाला नल बॉस है उस वाले चैप्टर में तो नल वाले कोई भी बॉस वाले क्वेस्ट में चले जाओगे तो वहाँ पर होगी पाथ नंबर सी पर है एंड फाइव स्टार में है एंड टेन थाउजेंड की पी आई है तो ऑफ़कोर्स मेरा थ्री स्टार एंटीवेनम जो है उसको किल नहीं कर पाएगा उसके पहले ही मर जाएगा तो यहाँ पर मैंने क्या किया कॉरवस लेके गया उसके साथ उसकी हेल्थ जो है पाँच परसेंट दस परसेंट के नीचे लेके आया एंड वहाँ से क्वेस्ट जो है एग्जिट कर दी एंड फिर जस्ट मेरे को करना क्या है फिर एंटीवेन एंटीवेनम ले जाके जो है उसको डिफीट करना है यहाँ पर इम्पॉटेंट ये नहीं है कि हमको पेनी पार्कर को डिफीट करना है इम्पॉर्टेंट ये है कि एंटी वेनम यूज़ करके जो है पेनी पार्कर को डिफ़ीट करना है अगर एंटी वेनम ही थ्री स्टार है तो फाइव स्टार वाली को कैसे हराएगा ना वो तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमें करने के लिए कर सकते हैं बट इतना टाइम नहीं है अभी ठीक <laughs> है क्योंकि अभी तो रैंक फाइव पर ले जाना है एंड अभी तो हॉर क्रेस्ट भी जो है ख़त्म करनी है सो so, या yeah, हमने पैनी पार्कर को डिफ़ीट कर लिया एंड होपफुली या ऑब्जेक्टिव कम्प्लीट हो जाना चाहिए एंड अगर नहीं होता है तो या फाइनली यस एंड जस्ट यहाँ से क्वेस्ट जो है एग्जिट कर दो कोई ज़रूरत नहीं है हंड्रेड परसेंट एक्सप्लोर करने की काफ़ी टाइम जो है निकल चुका है ओके एंड ये वो चीज़ एक और हो गई अभी नेक्स्ट वाला है आई गेस अभी सारे के सारे जैसे कि मैंने बताया अभी सारे के सारे स्पाइडर हीरोज हैं तो उनको सर्च करेंगे ये देखो ये वाला हो गया एंड देन जीनेटिक्स ईयर ट्वेंटी नाइन्टी नाइन तो ऑफ़कोर्स अभी जो निकला है ओ इसका मतलब कि हमको स्पाइडरमैन मैन ट्वेंटी नाइन्टी नाइन को भी डिफीट करना पड़ेगा जो कि नहीं है मेरे पास सो so या yeah, एक और बार जो है हमको वापस क्वेस्ट में जाके जो है स्पाइडरमैन मैन ट्वेंटी नाइन्टी नाइन को ढूंढना पड़ा सेम लकीली सबसे पहली क्वेस्ट में जो है मेरे को मिल गया सेम पेनिक पार्कर वाली क्वेस्ट में ही है देख सकते हो एंड सबसे पहला अपोनेंट है एंड यह वापस इसकी भी हेल्थ जो है काफ़ी अच्छी खासी है थर्टी थाउजेंड ट्वेंटी एट थाउजेंड के आसपास है एंड उसको डिफीट करना थ्री स्टार एन टी के बस की नहीं है तो इसलिए फिर जो है सेम प्रोसेस मैंने इसी के लिए के भी किया कि जस्ट मैंने कॉर्वस को लेके गया थोड़ा बहुत उसकी हेल्थ कम की फोर परसेंट तक लेके गया एंड देन फिर बाकी वचा कुचा जो है हम इससे फिनिश कर देंगे एंड इसका भी जो है काम तमाम हो जाएगा एंड हमको ऑब्जेक्टिव जो है कम्प्लीट हो जाएगा एंड यस फाइनली गुड वन एंड अभी भी ना मतलब अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि जो जो हैश टैग नॉट दी अदर लाइक अदर क्लिनटर्स तो उसका क्या है क्या नहीं उसका भी मैंने जो है अभी मेरे को देखना पड़ेगा शायद उसका भी जो मेरे को ऑफ स्क्रीन जाके पहले ढूंढना पड़ेगा फिर जो है मैं वापस आके जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा बट स्टिल सी कि कौन सा होगा चैम्पियन कौन सा नहीं तो पाँच हो चुके हैं और हमको चार चाहिए द नेक्स्ट है स्टार्क अपग्रेड तो ऑफकोर्स ये स्टार्क एनहांस्ड स्पाइडरमैन की बात कर रहे हैं एंड ये तो काफ़ी इजी था सभी को पता चल ही गया होगा एंड ये आई गेस मेरे पास टू स्टार में अवेलेबल है या देख सकते हो उसकी पीआई आई वन थाउजेंड की पीआई है मेरे क्या कहते हैं स्टार के एंडस्पायर्ड एवेंट टू स्टार की एंड अच्छा खासा है काफ़ी कम लोगों के पास होगा ये चैंपियन क्योंकि ये एक्सक्लूसिव बीच बीच में कोई भी एक इवेंट आती आती रहती है पता है जहाँ पर आपको नए नए चैम्पियंस जो है टू स्टार में मिलते हैं एंड साथ ही साथ जो है पता है बीच बीच में टू स्टार की अरीना आती है तो वहाँ से भी क्रिस्टल मिलते हैं तो वहाँ से भी मिलते रहते हैं चैम्पियंस ये अच्छा खासा है जितना अच्छा मतलब अगर चैम्पियंस अवेलेबल हो तो ऑफकोर्स काफ़ी अच्छा ऐसे ऑब्जेक्टि कम्प्लीट करने के लिए हो जाएगा एंड अभी ना मैंने रिसेंटली ही जस्ट वीडियो डाला था आ ये क्या कहते हैं नवम्बर क्या कहते हैं रिलीज नोट्स के नवंबर के अपडेट में तो वहाँ पर भी थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव्स हैं बट uh, उसके वैसे टाइप नहीं, नहीं है ये प्रैक्टिस टाइप नहीं है एंड नेक्स्ट है एंटीवेनम टी ओन एम शील्ड एनानस तो ऑफकोर्स स्पाइडरमैन एंड वो भी आई गेस मेरे पास टू स्टार में अवेलेबल है uh, होना तो चाहिए अगर नहीं हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है या yeah, नहीं है अवेलेबल तो हमको थ्री स्टार में जाना पड़ेगा एंड थ्री स्टार मेरा रैंक ट है सो so, ये फाइट थोड़ी बहुत लंबी होने वाली है सो so, मैं ये बता रहा था कि अभी नवंबर के जो uh, सोलो ऑब्जेक्टिव्स है वो भी थोड़े बहुत स्लाइटली लेंदी होने वाला है एंड लेंदी का मतलब लेंदी भी नहीं मतलब आपको जो है प्रैक्टिस करके ये क्वेस्ट जो है सोलो ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट नहीं कर पाओगे उसके लिए आपको एक्चुअल अरीना में क्वेस्ट में या तो फिर इंकर्जन्स में जाना पड़ेगा एंड अरीना एंड क्या कहते हैं इसमें कंप्लीट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इनकर्जन्स में क्योंकि आपको देखने को मिलते नहीं है चैम्पियंस वो जल्दी से एंड साथ ही साथ क्वेस्ट में काफ़ी जल्दी से मिल जाते हैं जो रिपीट कर सकते हो आप एंड ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती तो थोड़ा बहुत जो है बिज़ी मंथ होने वाला है साथ ही साथ हमारे पास जो है ये भी आने वाले क्या कहते हैं साइबर मंडे के ऑफर्स एंड वगैरह वाले स्टफ्स तो उसका भी थोड़ा बहुत बिजी रहेगा एंड उसके साथ साथ आई सोलो इवेंट करके भी कुछ है वो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है तो आप जाके देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा हो तो एंड या दूसरे सारी डिटेल्स भी दिए जैसे कि स्किप एस एंड जो बूस्ट वाला है तो वो भी काफ़ी एक अच्छा है एंड या देखो वो वाला भी कंप्लीट हो गया एंड एक और नेक्स्ट वाला क्या बचा है ऑलमोस्ट आखिरी है कि वेनम ब्लास्ट तो अभी वेनम ब्लास्ट जिन लोग को पता नहीं हो तो स्पाइडरमैन माइल्स मोरलस ना उसको अभी रिसेंटली बफ मिला है तो वो उसकी पहली सिग्नेचर एबिलिटी थी शायद कि उसके पास जो है वेनम ब्लास्ट था उसकी उसका नाम था कहीं पर तो था तो होपफुली जो है वही होना चाहिए अगर नहीं होता तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी आप तो जो है कंटीन्यूस वीडियो देख रहे हो आपके लिए तो कोई भी बीच में ब्रेक नहीं होगा अल्लेस अगर आपने स्किप किया हो इस वाले पॉइंट तक तो होपफुली यहाँ पर हो जाना चाहिए एंड भाई अभी ना रिसेंटली समनर शोडाउन चल रहा था पता नहीं आपने देखा कि नहीं तो भाई उनका पॉइंट सिस्टम तो क्या ही बेकार साड़ा हुआ था पॉइंट मतलब जितना जल्दी आप मरते हो उसके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं आई I मीन mean, ये कैसी सिस्टम है आई I मीन mean, छोड़ो उसके लिए तो एक सेपरेट वीडियो ही बन जाएगी बट मतलब एंड उसमें अभी माइल्स मोड़ा से इसलिए याद आया क्योंकि वहाँ पर किसी ने चैम्पिन यूज़ किया था yeah, देखो, ये देखो वैनम प्लस वाला भी कंप्लीट हो गया सो so, आप ऊपर देख सकते हो कि नौ के नौ जो है ऑब्जेक्टिव हमने कम्प्लीट कर लिए एंड वो जो मेरे को मिल नहीं रहा था क्या कहते हैंश टैग नॉट लाइक दी अदर टास्क तो वो मैंने एक्चुअली ना सारे के सारे स्पाइडरमैन uh, हीरोज़ को डिफ़ीट किया उनमें से कोई भी नहीं था एक्चुअल चैम्पियन था uh, ये अपना एंटीवेनम जो खुद जिसको हम यूज़ करके जो है सबको डिफ़ीट करने की ट्राई कर रहे थे तो वो खुद चैम्पियन था जिसको हमको डिफ़ीट करना था एंड उसी से जो हमको ये लास्ट वाला जो है ऑब्जेक्टिव भी जो है कंप्लीट हो चुका है एंड फिर अभी जाके ना जल्दी से क्लेम कर लेते हैं एंड जैसे ही क्लेम करूँगा तो ऑफकोर्स मेरी सारी की सारी ये जो एंटीबॉडीज़ है वो की एंटीबॉडीज़ की जो की है वो भी क्लेम हो जाएगी एंड फिर मैं वापस जो है ऑफ़ स्क्रीन जाऊँगा नौ बार जो है मेरे को क्वेस्ट कंप्लीट करना पड़ेगा एंड वो भी थोड़ा बहुत ग्राइंड रहेगा एंड क्वेस्ट को ना मतलब डिफीट करने के लिए मैंने सारे के सारे क्वेस्ट की वीडियोज़ बनाई है सारी की नहीं एक की नहीं बनाई क्योंकि उसमें सिर्फ गोल्ड मिल रहा था एंड या देख सकते हो वहाँ पर सारे के सारे क्लेम कर लिए हैं एंड अभी हमारे पास नौ जो है कीज़ होनी चाहिए यस एंड साथ ही साथ देख सकते हो यहाँ पर वापस एक और बार दिखा दूँ कि समन सिम्ब्यड को अपग्रेड करने के लिए ये क्या कहते हो अपग्रेड करने के लिए नौ और कैन क्लिनार केटेल्स जो एक्लिप्स वाला इक्वेस्ट है वो नौ बार जल्दी से डिफीट कर लूँ तो यहाँ पर नाइनटी सिक्स हो जाएंगे एकदम एग्जैक्टली एंड उसके बाद फिर हम इसको रैंक फाइव पे ले जाएंगे तो तब तक के लिए क्या मिलते हैं नेक्स्ट वाले पोर्शन में ओके वेलकम बैक टू द सेकेंड पोर्शन ऑफ दिस वीडियो सो अभी मैंने है जस्ट आ, देख सकते हो यहाँ पर क्वेस्ट में सारे के सारे जो मेरे एंटीबॉडीज़ थी जो कि की कीज़ थी वो मैंने सारे की सारी स्पेंड कर दी देख सकते हो मेरे पास अभी एक्स्ट्रा ऊपर कोई भी नहीं है नौ थी नौ के नौ स्पेंड कर दी एंड अभी जब हम अगर जाके देखें तो हम जो है अपना एटलीस्ट मेरा अपना खुद का चैम्पियन मैं जो है रैंक फाइव पर ले जा सकता हूँ एंड नाइन्टी सिक्स स्पेंड करने के बाद यस एक गोल चाहिए डायरेक्टली हम इसको जो है रैंक फाइव पे ले जा सकते हैं एंड बूम Uh, that गोज़ डायरेक्टली to रैंक फाइव एंड सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री की पी आई है मतलब कि एक फाइव स्टार रैंक फोर के लेवल के हिसाब से अगर यहाँ पर रीसेट करके दिखाऊँ तो उसकी पावर रेटिंग उसके आसपास ही होनी चाहिए आई गेस एक सिक्स स्टार रैंक वन के हिसाब से हाँ देख सकते हो यहाँ पर बगल में जो फिक्सड है तो ऑफ़कोर्स ये काफ़ी अच्छा रहेगा एंड uh, आपको शायद ये मतलब एटलीस्ट uh, मेरे को तो पहले ये लगा था कि मतलब रैंक फोर और रैंक फाइव में इतना तो क्या फ़र्क पड़ेगा ना की चैंपियन यूज़ करने में तो उसके जो प्री है अगर अलग अलग जो एबिलिटीज़ लगाता है तो अगर आप जो है उसको रैंक फाइव पे लेके जाते हो तो ये एक एक्स्ट्रा प्री जो है वो उसको एक्स्ट्रा मिलती है अगर रैंक फाइव पे हो तो अगर रैंक फाइव पे नहीं होता तो ऊपर वाली जो ये एनरेज लीच एडेप जो भी है वो सारी तो मिलती है ये जस्ट आखिरी वाली जो अनाइलेट वाली वो नहीं मिलती तो वो इसमें थोड़ा बहुत उसको एडवांटेज मिलता है ऑफ़कोर्स जब हम क्वेस्ट देखेंगे हॉरर वाली क्वेस्ट तो उसमें मैं बताऊंगा कि ये एक्चुअल करता है, क्या है इसको यूज़ कैसे करना है एंड सीरियसली बताऊँ ना मेरे को लिटरली अभी ये आखिरी नौ फाइट जो करनी थी नौ क्वेस्ट नौ बार जो क्वेस्ट कंप्लीट करनी थी लिटरली मैं तंग आ गया था लिट मेरे को ना हर एक पाथ में एटलीस्ट एक बार तो मेरे को यूज़ करना ही पड़ा रिवाइव एंड मेरे जो है मेरे को ऐसा लगता नहीं कि इसके बाद वाले जो भी बचे होंगे आई I मीन mean, इस, इस टाइम पे ना इस पॉइंट पे ना मेरे को तो रिवॉर्ड्स भी नहीं चाहिए तुम रखो अपना रिवॉर्ड्स आला खेलने में ही मज़ा नहीं आ रही है एकदम एक दो, दो चैंपियंस लेके जाने होते हैं उसमें भी एक तो आर ठीक से काम नहीं कर रही होती अनब्लॉकेबल अटैक्स एंड ब्लॉक डैमेज में ही मर जा रहा हो वगैरह एंड ये तो मैंने पहले भी बताया सो ओवरऑल इतना सा था ये वीडियो क्योंकि हमने जैसे कि बताया था पार्ट नंबर वन टू थ्री फोर एंड ये फिफ्थ वाला लेके उसको रैंक टू से लेके रैंक फाइव तक लेके कर आया है एंड इसका जो एक्चुअल वीडियो है कि हम लोग हॉर रिक्वेस्ट कर तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी वहाँ पर कन्फर्म नहीं है कि मैं पूरा का पूरा जो है ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड करूंगा या तो फिर वॉइस ओवर करूँगा उसका श्योर नहीं हूँ बट येस डेफिनेटली मैं अभी जस्ट ये वीडियो ख़त्म करके जो इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दूँगा एंड अभी देख अगर वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर देट आपके आपने अपना टाइम जो है मेरे लिए निकाल के रखा एंड या ओवरऑल इतना साथ ये वीडियो एंड होप फुल अगर वीडियो पसंद आई तो हो तो लाइक कर देना एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में